गाइस कैसे हो दोस्तों। बहुत दिन बाद टेक न्यूज शूट कर रहा हूँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक न्यूज और बहुत सारे न्यू अपडेट आए हैं। बीच में मेरा एक दो टेक न्यूज मिस हो गया क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था, लेकिन अब से आपको फिर से डेली आपको हफ्ते में 2-3 टेक न्यूज आपको मिलते रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज आ रहा है टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से, मतलब जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल की तरफ से। ट्राई ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ट्राई ने स्पैम कॉल के रिलेटेड जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल को लंबा फाइन मारा है। आप लोग कोई भी ऑपरेटर का सिम कार्ड यूज करो, आपके पास तो स्पैम कॉल आता ही होगा। मेरे पास भी स्पैम कॉल आता है और हम लोग जब कस्टमर केयर को बोलते हैं तो ये लोग उतना ध्यान नहीं देता। तो ट्राई ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टीओटी को सारे नेटवर्क ऑपरेटर के पास लंबा फाइन रिकवर करने के लिए बोला है, जिसमें बीएसएनएल और एमटीएनएल को पड़ा है 50 करोड़ का फाइन, उसके बाद एयरटेल को 20 करोड़, उसके बाद वोडाफोन आइडिया को 15 करोड़, उसके बाद जियो को सबसे कम फाइन पड़ा है 12 करोड़। मुझे एक बात का अफसोस है कि भाई बीएसएनएल को सबसे ज्यादा फाइन पड़ना था और जो अमीर कंपनी है उसको ही सबसे कम फाइन पड़ा। वैसे ही सारे फाइन स्पैम कॉल के ऊपर बेस करके किया होगा, जिसका ज्यादा स्पैम कॉल उसको शायद ज्यादा फाइन किया होगा। तो आप लोग बताओ आपके पास कौन से नेटवर्क का सिम कार्ड है, आप लोग वीडियो के कमेंट में बताओ कि आपके पास स्पैम कॉल आता है। मेरे पास तो स्पैम कॉल आता है। और आज का नेक्स्ट अपडेट आ रहा है फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, फाइनली फ्लिपकार्ट ऐप में आपको ऑफिशियल आपको फ्रंट पेज में शो कर रहा है। पहले 30 सितंबर बोला था लेकिन फ्लिपकार्ट ने डेट को थोड़ा चेंज किया है। अभी अगर आप लोग फ्लिपकार्ट का नॉर्मल यूजर हो तो आपको 27 सितंबर से, और अगर आप लोग फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप हो तो आपको 24 आवर्स पहले आपको 26 सितंबर से आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज का एक्सेस मिलेगा। और इस साल फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में बहुत सारा प्राइस आपको डिस्काउंट मिलने वाला है स्मार्टफोन के ऊपर, बहुत सारे गैजेट के ऊपर। आपको हमारे चैनल में लगभग हर तरह का आपको वीडियो मिल जाएगा, इसलिए अगर आप लोग हमारे चैनल में नहीं हो तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आपको फ्लिपकार्ट बीबीटी और अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में आपको बेस्ट स्मार्टफोन डील, आपको बेस्ट लैपटॉप डील, लगभग सारे डील्स के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना। और आज का नेक्स्ट अपडेट आ रहा है पोको की तरफ से। फाइनली ईईसी सर्टिफिकेशन पर पोको F7 प्रो लिस्ट हुआ है और ये इंडिया में आएगा या फिर नहीं आएगा इसके बारे में फिलहाल कुछ अपडेट नहीं है, फिलहाल ग्लोबल ही आएगा। और पोको F7 प्रो इस पर अगर इंडिया में आता है तो देखते हैं इस पर क्या खास करता है। वैसे पोको का F सीरीज का फोन बहुत ही ज्यादा धमाल करता है। मुझे याद है बहुत साल पहले जब पोको F1 आया था, भाई टोटली कमाल कर दिया था, टोटली किल कर दिया था सारे फ्लैगशिप फोन को। और आज का नेक्स्ट अपडेट है जियो की तरफ से। गाइस जियो फोन प्राइमा 2, जियो का फिर से एक 4G फोन लॉन्च हो चुका है। एक कीपैड फोन है, अराउंड 2000-2500 के आसपास इसका प्राइस है, जिसमें आपको एक छोटा सा आपको डिस्प्ले 2.4 इंच का आपको एक डिस्प्ले, आपको एक VGA कैमरा, साथ में आपको जियो का जितने सारे ऐप्स है, जियो ऐप्स, यूट्यूब वगैरह ये सब कुछ आपको मिलेगा। और एक कीपैड फोन है, पता नहीं इतने छोटे स्क्रीन में कौन यूट्यूब देखता है, लेकिन इसमें जियो का सिम चलेगा। तो अगर आपका बजट बहुत ज्यादा कम है 2000-2500 के आसपास है और अगर आपको जियो चलाना है क्योंकि जियो में नेटवर्क प्राइस थोड़ा सा सस्ता है बाकी सारे नेटवर्क की तुलना में बीएसएनएल को छोड़ के, तो आप लोग जियो फोन प्राइमा 2 आप लोग इस फोन को आराम से कंसीडर कर सकते हो। और आज का नेक्स्ट अपडेट आ रहा है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा फाइनली इसका रेंडर्स लीक हो चुका है। S25 अल्ट्रा आपको कुछ इस तरह देखेगा। अगर आप लोग लुक्स को कंपेयर करोगे तो S24 अल्ट्रा और S25 अल्ट्रा में ज्यादा कुछ डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिल्कुल सैमसंग का यही सेम टू सेम लुक है। सिर्फ जो एजेस है S24 अल्ट्रा में वो थोड़ा स्क्वायर कटिंग का था, वो इस बार आपको थोड़ा राउंड एजेस आपको देखने के लिए मिलेगा और इस बार बेजल्स को और भी थोड़ा कम कर दिया है। और S25 अल्ट्रा स्नैपड्रैगन 8 जेन 4 के साथ आएगा ऐसे कहा जा रहा है। और बाकी फुल डिटेल्स आपको नेक्स्ट ईयर आपको जनवरी में आपको फुल अपडेट मिलेगा, क्योंकि हर साल जनवरी के आसपास ही सैमसंग के इस सीरीज लॉन्च होता है। और आज का नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो फाइंड N5 ओप्पो का एक और फ्लैगशिप फोन, इसका कुछ पिक्स वगैरह यहाँ पे लीक हुआ है। और डिटेल्स की अगर बात करो तो आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 4 के साथ साथ में आपको 2K+120Hz का आपको एक AMOLED डिस्प्ले, और फिलहाल अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा कुछ कंफर्मेशन नहीं है, फिलहाल अभी यही पिक्स लीक हुआ है। ओप्पो फाइंड सीरीज ओप्पो का एक फ्लैगशिप सीरीज होता है, तो अगर ओप्पो फाइंड N5 ए डिवाइस अगर आता है तो ये तो देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल लग रहा है, लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेक्स के साथ आएगा। और आज का नेक्स्ट अपडेट है वीवो की तरफ से। गाइस वीवो X200 सीरीज फाइनल इसका लॉन्च डेट आ चुका है, इंडिया में नहीं ग्लोबल इसका लॉन्च डेट आ चुका है। और वीवो X सीरीज भाई कमाल के कैमरा परफॉर्मेंस के साथ आता है। वीवो X सीरीज में जो फोन आता है X80, X90, X100 और अब X200, इसका कैमरा टोटली तगड़ा होता है, टोटली नेक्स्ट लेवल इसका कैमरा होता है। आप लोग वीवो X सीरीज का कैमरा को आप लोग आईफोन या फिर सैमसंग के X सीरीज के फोन के साथ भी आप लोग कंपेयर कर सकते हो, इतनी ज्यादा कमाल का इसका कैमरा आता है। नेक्स्ट मंथ अक्टूबर मंथ के 14 तारीख को आपको वीवो X200 आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये इंडिया में कब आएगा ये आपको आगे अपडेट मिल जाएगा। और आज का नेक्स्ट अपडेट है हॉनर की तरफ से। गाइस हॉनर 200 सीरीज में उनका एक और छोटा भाई ऐड हो चुका है,
हॉनर 200 लाइट, इसका कुछ पिक्स यहाँ पे निकल कर आया है, आप लोग देख सकते हो। और 19 सितंबर 12 बजे इसका लॉन्च है। और इस पर हॉनर 200 लाइट में आपको 108 एमपी का कैमरा ऐसे कुछ आपको मिलने वाला है। फिलहाल कुछ कंफर्मेशन नहीं है, जब लॉन्च होगा उसके बाद आपको फुल डिटेल्स मिलेगा। और आज का नेक्स्ट अपडेट है पोको की तरफ से। गाइस पोको वालों इस बार फ्लिपकार्ट बीबीडी में टोटली धमाल करने वाला है, ऐसे ही कुछ यहाँ पे बोल रहा है। जैसे पोको M6 5G, अगर आप लोग इसका प्राइस देखोगे तो आपको 64GB वेरिएंट आपको लगभग 11499 या फिर आपको 11999 में आपको मिल रहा है। लेकिन ऐसे कहा जा रहा है कि फ्लिपकार्ट बीबीडी में आपको पोको M6 5G आपको 7000 समथिंग में आपको मिल सकता है। मतलब अगर 11000 का फोन अगर आपको 8000 के आसपास मिलता है तो भाई एक कमाल का डिस्काउंट है। तो पोको वालों इस बार फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में टोटली धमाल करने वाला है। आप लोग चैनल में जरूर नजर रखना, आपको फुल डिटेल्स आपको अपडेट मिल जाएगा। और आज का नेक्स्ट अपडेट आ रहा है लाभा की तरफ से। गाइस लाभा ब्लेज 3 फाइनली इसका सेल 18 सितंबर 12 बजे से शुरू होने वाला है। 6GB रैम, 128GB UFS 2.2 स्टोरेज, साथ में आपको डायमेंसिटी 6300 के साथ आपको लाभा ब्लेज 3 5G आपको यहाँ पे 9999 पे आपको मिल जाएगा। तो 10,000 के नीचे ये थोड़ा अच्छा खासा फोन है। तो 10,000 के नीचे अगर आप लोग लाभा का कोई फोन बाय करना चाहते हो तो आप लोग लाभा ब्लेज 3 5G को आप लोग आराम से कंसीडर कर सकते हो। और आज के टेक्नोज यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग वीडियो के कमेंट में बताओ आपको हमारे टेक्नोज कैसे लग रहा है। और अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हो तो आप लोग प्लीज आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन स्टोर को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन करो, आपको हफ्ते में ऐसे 2-3 टेक्नोज आपको मिलते रहेगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।